हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है चेनसॉ पर। और ये जो चेनसॉ है ये मैंने लिया है अमेजोन से। ये जो आपको छोटा सा कॉम्पैक्ट चेनसॉ दिख रहा है, बेसिकली ये लगता है ड्रिल मशीन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर आपको मिल जाता है ये कनेक्टिंग शाफ्ट, और इसके साथ में आता है प्रोटेक्टर, ये है हैंडल जो पकड़ मजबूत बनाता है। फिर आपको मिल जाती है एक 4 इंच की अलॉय चेन, और ये जो आप देख रहे हैं ये है गाइड प्लेट। और फिर कुछ हमको यहाँ पर मिल जाती हैं एसेसरीज। चलिए एक एक करके हम अपने पार्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कनेक्टिंग शाफ्ट है, ये तो आप जानते हैं, हैंडल है और ये प्रोटेक्टर है। और फिर यहाँ पर मिल जाती है हमको एक गाइड प्लेट, जरा मैं आपको खोल के बताता हूँ। ये है हमारी गाइड प्लेट जिस पे हमारी चेन लगेगी। फिर आपको यहाँ पर एक और गार्ड मिल जाता है, और फिर आपको मिलते हैं स्क्रू ड्राइवर, एलन की, ये सब चीज़ें असेंबल करने के लिए। चलिए अब हम करते हैं इन सब को असेंबल, और इन सारे पार्ट्स को असेंबल करना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कनेक्टिंग शाफ्ट, यह है इसके पीछे वाला पोर्शन, और यह एक आगे वाला पोर्शन जिसमें यह है गियर व्हील। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 स्लॉट, एक स्लॉट बंद है और ये वाला स्लॉट देखिए खुला हुआ है। तो खुले हुए स्लॉट में ये जो साथ में स्क्रू आया था इसको हम रख देंगे, ये देखिए ऐसे। तो ये है हमारी गाइड प्लेट। अब मैं इसमें चढ़ाता हूँ चेन, और मैं आपको बताता हूँ कि चेन लगाने का सही तरीका क्या है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने चेन सीधी लगाई है या फिर उल्टी? तो जो हमारी चेन है वो घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपको दिख रहा है नुकीला पोर्शन, ये अभी आ रहा है लेफ्ट टू राइट। देखिए हमें इसको करना है राइट टू लेफ्ट। अगर मैं इसको पलट देता हूँ आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखिए सपोज मैंने इसको खोला और ये अब मैंने चेन पलट के इसमें लगा दी, अब ये मेरी चेन ऐसे चलेगी। अब आप देखिए, मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है नुकीला पोर्शन। तो ये है सही तरीका चेन लगाने का। जब ये लकड़ी काटेगी तो जो नुकीला पोर्शन है वो राइट टू लेफ्ट आना चाहिए। गाइड प्लेट पे चेन लगाने के बाद ये जो आपको नीचे वाला होल दिख रहा है इसको हम लोग इस स्क्रू के ऊपर जो पोर्शन दिया है वहां फिक्स कर देंगे। ये आपको दिख रहा है, मैंने गियर व्हील में अपनी चेन लगा दी और यहां पे इसको फिट कर दिया। फिर ये जो आपको पीछे स्क्रू दिख रहा है इसको हम लोग अच्छे से टाइट कर देंगे, इससे फिर हमारी चेन बिल्कुल भी लूज नहीं रहेगी और बिल्कुल टाइट हो जाएगी। इसके बाद ये जो गार्ड है इसको हम लोग यहां पर फिट कर देंगे। इसके बाद ये जो हमें प्रोटेक्टर आया था इसको हम यहां ऊपर फिट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और पीछे साइड यहां पर स्क्रू को हम लोग टाइट कर देंगे। जो हमारे साथ में एलन की आई थी ये इसी के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा चेन सॉ का पूरा अटैचमेंट था बहुत अच्छे से असेंबल हो चुका है। अब फिर ये है हैंडल, इसको मैं ऊपर फिट कर देता हूँ। तो हमारा ये हो चुका है पूरा असेंबल, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और इजी टू यूज है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसका डेमो, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो ये है हमारी ड्रिल मशीन, जरा मैं इसके अंदर ये अटैचमेंट लगा लेता हूँ। मैंने लगा लिया है ड्रिल मशीन में चेनसॉ का अटैचमेंट। अब हम इससे काट के देखते हैं वुड को। तो आपने देखा इसने बड़े ही आराम से इस प्लाई के टुकड़े को काट लिया है जो कि था 18 mm का। चलिए अब हम इससे डबल से ज़्यादा मोटा लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, फिर हम काट के देखते हैं।
इसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस लकड़ी के टुकड़े को भी काट दिया है। परफॉर्मेंस वाइज बात करूं तो ये एकदम बहुत बढ़िया है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना बढ़िया है ये हमारा चेनसॉ का अटैचमेंट। तो अब बात करते हैं कि हमें इसको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, यदि आपको चेनसॉ से रोज काम पड़ता है या फिर आप महीने में 15 से 20 बार काम करते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको मत लीजिए। रीज़न ये है कि ये जो इसकी बॉडी है ये पूरी प्लास्टिक की बनी है, दूसरी बात ये वाइब्रेट करता है, और तीसरी बात ये कभी कभार झटका भी मारता है। मगर हाँ, यदि आपका चेनसॉ का बहुत कम यूज़ होता है, 2-3 महीने में एक बार, तब फिर ये छोटे मोटे कामों के लिए पूरा पैसा वसूल है। इस चेनसॉ अटैचमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से भी जाके आप इसको ले सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।